आप में से कई लोग मेरे छोटे भाई हैं और मैं कई लोगों को बेटा ही बोलता हूँ। अब ये जो वीडियो है ये स्ट्रिक्टली फॉर बॉयज़ है, स्ट्रिक्टली फॉर बॉयज़ है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? स्ट्रिक्टली फॉर गर्ल्स बनाया है तो लड़कियाँ तो खुश हो गई, बट लड़के बहुत नाराज़ हो गए और बोले कि हमारे लिए एक वीडियो बनाओ, हमारे भी आपके नीचे डाक सकड़ाते हैं, हमारे ही बाल झड़ रहे हैं, हम भी गंजे हो रहे हैं, साला हम भी इतने फैल गए हैं, हम साला 20 की उम्र में 40 जैसे दिखते हैं। तो नॉट विथ ऑल, बट मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना एक वीडियो मैं अपने छोटे भाइयों के लिए बनाऊं। हालांकि लड़कों के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो बच्चों यस, अब मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स को देखूं तो मेरा एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज़ गोपाल, आई वोंट टेल यू द सरनेम, एंड ही इज़ इन टू सी एस एग्जीक्यूटिव। उसके 6 अटेम्प्ट हो गए एग्जीक्यूटिव के एंड ही इज़ नॉट एबल टू क्लियर। तो बच्चों अब उसका दिक्कत ये है कि उसका इतने जो बाल है ना, ये सामने के पूरे, मतलब यहाँ तक वो गंजा हो चुका है, यहाँ तक वो गंजा हो चुका है, इतना बड़ा पेट आ गया है, दाढ़ी ऐसे बहुत सारा दाढ़ी रखता है। तो मैंने उससे पूछा, भाई मतलब क्या ऐसे लड़की वड़के में इंटरेस्ट है कि नहीं, मतलब देखते हो कि नहीं, और देख के कुछ हलचल होती है मन में, दिल में? तो ही इज़ लाइक कि सर मैं शक्ल ऐसी है तो मैं इतना डाउन, मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना उतर गया है कि मैं क्या बताऊँ, ये सीएस के चक्कर में मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, प्रॉब्लम सॉरी पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं कर पाता, और सर टेंशन की वजह से डार्क सर्कल बहुत हो गए हैं, बाल तो झड़ ही रहे हैं सर, मतलब मैं कंघी ऐसे करता हूँ ना तो इतने सारे बाल हाथ में आते हैं, बाथरूम में नहाने आता हूँ तो इतने सारे बाल। और बच्चों एक्चुअली मैंने भी ऐसा बहुत सारी चीज़ सारे स्टूडेंट को देखा, और जो बच्चे पतले हैं साला वो तो इतने सुकड़ गए हैं, मतलब ऐसे उड़ जाएंगे। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यस बच्चों, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। पढ़ाई तो ज़रूरी है, करियर भी बनाना है, और यार अपन लड़के हैं, अपने अंदर तो एक अलग ही गर्मी होती है। तो एनीवे, तो ये वीडियो सिर्फ लड़के ही देखेंगे, इसलिए मैं बहुत सारी कुछ अलग बातें भी करने वाला हूँ यहाँ पे, और लड़कियाँ प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। तो बच्चों कुछ आदतें हैं जिनको हमको छोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली आदत ये है, चिंता लेना छोड़ना है, टेंशन बिल्कुल भी लेना नहीं है, पढ़ाई का हो या किसी चीज़ का भी, पढ़ाई करना है ना, टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला, बाल जाएंगे साला। और आजकल का तो पानी इतना ख़राब है हर जगह का, पुणे के तो बच्चों मेरे क्लास में फाइनल क्लास में तो 70% बच्चों के बाल ना कहीं से झड़ते ही रहते हैं, क्लास में टी शर्ट पर देखा तो बाल ही लगे रहते हैं। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर वन, एक्सरसाइज, जैसा मैंने लड़कियों को भी बताया था, एक्सरसाइज करो। अब एक्सरसाइज, आप लड़के हो यार, आप तो जिम जा सकते हो, कम ऑन, मज़ा आता है जिम जाके बच्चों। ऐसी ऐसी बंदियाँ आती हैं ना, अलग ही मोटिवेशन फील होता है। ठीक है, तो जिम जाना है, और तुम लोग ना सारे एक्सक्यूज दोगे, 12 घंटे पढ़ने के बाद भी 1 घंटे का जिम आप कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा नहीं कि जिम जाना तो गोल्ड जिम ही जाओ, आपके घर के आसपास में कोई भी सस्ता जिम होगा जहाँ पे 300 400 रुपये 500 रुपये महीने का होगा। प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ता हूँ, जिम जाने की आदत डालिए। अगर आपको लगता है मेरे बाल अभी भी सही सलामत है, मेरा फिजिक थोड़ा सा भी ठीक है, ठीक है बच्चे मेरी भी शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, अगर आपको लगता है फिजिक में ही थोड़ी सी भी ठीक है, क्योंकि मैं आज भी 32 इंच की जीन्स पहनता हूँ बच्चों, उसमें जिम का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब आप जिम जाओगे ना तो बाकी सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। अब ये मत बोलना कि तुम सीएस बनने के बाद जिम जाओगे, सीएस बनने के बाद जॉब लग जाती तो और नहीं होता, अपने एक कल्चर में जिम जाने की आदत डालो। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर तुम्हारे बाल झड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है तुमको पता है? मैं ऐसे नहीं बोल सकता, बट वो हरकत है जो तुम सब लोग बहुत ज़्यादा करते हो, तो मतलब नॉट तुम सब, बट 10 में से 1 तो होगा, एक कोई हरकत है जिसको हम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ उस हरकत को रोकिए, बाल मत झड़ने दीजिए, नहीं तो उस हरकत के चक्कर में बाल आपके झड़ जाएंगे, आँख के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे, और बच्चों गलत गलत जगह है वो, मतलब ठीक है, मतलब आई नो कुछ फीलिंग्स हैं, बट आई थिंक वी ऑल कैन कंट्रोल। बच्चों मैं भी आपकी एज से गुजर चुका हूँ, सो प्लीज़ हैव प्रॉपर कंट्रोल ऑन ऑल दोज एक्टिविटीज़ यू नो विच हैव बैड इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। ठीक है, हाँ बच्चों, तो प्लीज़ कोशिश कीजिए बच्चों। हाँ, और ये सब जो मैंने फीलिंग वीलिंग और ये सब जो कंट्रोल की बात की, मैंने गुटखा खाने के लिए कही। ठीक है, एनीवे आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बच्चों ये चीज़ें बहुत ज़रूरी, स्पेशली उस आदत को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टेंशन ना लेना, उस आदत को कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, बहुत सारा पानी पियो, सुसु लगेगी बट पानी पियो, पानी
तुम जितना ज़्यादा पियोगे पढ़ाई में तुम उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन कर सकते हो। एक सिप पढ़ाई के टाइम पे एक सिप पानी का लो, उस पानी से बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म जो होता है ना वो मेंटेन रहता है, जिसके कारण हमारी स्किन क्या करती है, ग्लो करती है। ठीक है बच्चों, ये कॉस्मेटिक और कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चों। नारियल का तेल भी अगर तुमने चेहरे पर लगाया ना, बहुत अच्छी चीज़ है। ये कॉस्मेटिक जितने ही बिकते हैं ना, वो सब कुछ उल्लू बनाने का है। मेरे कई स्टूडेंट ना नीविया का मैन फेस वॉश और ये सारी चीज़ रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। मैं तो साबुन ही लगाता हूँ, सिंथॉल का 20 जो 120 रुपये में 6 आता है वो साबुन लगाता हूँ, एंड आई जस्ट यूज़ नारियल का तेल या सरसों का तेल अपने चेहरे पे लगा लेने का बच्चों, और अंदर से खुश रहने का। टेंशन एक बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या से अलग होने का। और टेंशन किस चीज़ का, पढ़ाई का, तो पढ़ाई करो, टेंशन लेके क्या होने वाला है। और यस, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नींद बहुत ज़रूरी है, 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। बेड पे गए तो खराब आदत के साथ नहीं जाना है, अच्छे थॉट्स से जाना है, पॉजिटिव थॉट्स, और नींद अच्छी लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद। 6 घंटे भी सोए तो कोई दिक्कत नहीं, 6 से 8 के बीच में आप सो जाओ, दोपहर को लगता है तो 15-20 मिनट का नैप ले लो। ठीक है, पानी हो गया, नैप हो गया, पॉजिटिव थॉट्स हो गए, और पॉजिटिव रहने का बच्चों। और लड़कियों के चक्कर लिस्ट में ज़्यादा नहीं पढ़ने का, मन तो करता होगा आपका डेफिनेटली कि यार लड़की है ये वो, बट अभी दूर रहने का। एक बार करियर वजह बच्चों मैंने देखा है, लड़कियों के चक्कर लिस्ट में अगर 10 लड़के पढ़े हैं तो उनमें से एक ही CS बना है, 9 की हालत तो बहुत ही ख़राब हो गई है। ठीक है, क्योंकि बच्चों अपन जाते हैं, अपन अपना सब कुछ दे देते हैं उस लड़की को, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, सब कुछ है, बट उसकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ है, अपनी भी प्रायोरिटीज़ है, लेकिन अपने लिए पहली प्रायोरिटी करियर होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, CS बन गया ना बच्चों, बच्चों मेरी भी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, लेकिन मैं जब CS बना ना तो बच्चों मुझे मतलब मैं जिस लड़की सोचता था, मतलब जैसी लड़की मुझे चाहिए थी मुझे वैसी वाइफ मिल गई। मतलब सपने पूरे होते हैं यार, अच्छी, मतलब आपको बस पढ़ाई करनी है, क्योंकि अपने ऊपर ना साला प्रेशर बहुत है बच्चों, अपने मम्मी पापा के सपने का प्रेशर है, अपने मम्मी पापा के लिए करना। और बच्चों देखिए, अपने ऊपर कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी है यार, अपने को अपने करियर परिवार को आगे लेके जाना है। ठीक है, हम मतलब देखिए, लड़की अगर शादी, लड़की के पास ऑप्शन है कि अगर चाहे, मैं बोलूँगा नहीं, बट चाहे तो वो शादी के बाद हाउसवाइफ बन सकती, अपन हाउस हस्बैंड बन सकते हैं क्या? अरे रॉकेट लगाए पीछे भैया, अपने को तो काम करना ही है साला, अपने को खिलाना है, अपना परिवार पालना है यार, माँ बाप के लिए कुछ अच्छा करना है, तो जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हैं यार, बहुत ज़्यादा हैं। दिखना भी अच्छा है बच्चों आप लोगों को, यू शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर लुक्स, आपको दिखना भी अच्छा है। सो मैं हमेशा कहता हूँ अच्छे, और कपड़े भी अच्छे पहनने हैं बच्चों, कपड़े भी अच्छे पहनने की आदत डालिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है बट अमेजोन वगैरह पर अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, तो कहीं बाहर जाएँ तो थोड़ा बन ठन के जाइए। और बच्चों ग्रूम कीजिए अपने आप को, एंड लव योर सेल्फ। बच्चों मेरी शक्ल अच्छी नहीं है बट आई लव माई सेल्फ, बच्चों मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ। ये ग्लास है बच्चों, इस ग्लास में जब पानी पूरा भरेगा ना तभी बाहर निकलेगा। जब आप खुद से बहुत प्यार करेंगे ना तो आप दुनिया में हर व्यक्ति से प्यार करने लगेंगे बच्चों। तो प्लीज़ लव योर सेल्फ, आप किसी जैसे भी हैं अपने आप से प्यार कीजिए बच्चों। हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, और अपने आप से प्यार करेंगे ना बच्चों तो आप बढ़िया हाथ पैर पे तेल वेल लगा के जो भी है अच्छे से एकदम तैयार होके अच्छे रहेंगे। लव, ट्राई टू लव योरसेल्फ। आपको दिखता ना यार पेट बड़ा हो गया है, आप स्टेप्स लीजिए बच्चों, पेट बड़ा हो गया तो स्टेप्स लीजिए। आपकी आंखों के नीचे आप देखा कीजिए बच्चों अपने मिरर में, अपने को अपना भी ख्याल रखना है, अपनी लुक्स का भी ख्याल रखना है। ठीक है, बिकॉज CS तो लाइफ का एक पार्ट है, बट अच्छे दिखेंगे तो बहुत सारे फायदे भी होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ों का आप ध्यान रखिए, बैलेंस रखिए बच्चों। लव यू सो मच, थैंक यू।